चैप्टर 23, टाइटल यहाँ खाऊं या नहीं। श्रुति रेस्टोरेंट को ठीक से देख पाती इसके पहले ही उसे प्रेम की आवाज सुनाई दी। वो थोड़ा सरप्राइज होकर प्रेम की तरफ देखने लगी। है तो ये कोई नॉर्मल इंसान, लेकिन ये इस गांव के बाकी इंसानों से बहुत अलग है। मैं सुबह से जितने भी इंसानों से मिली हूं, ये उनसे काफी अच्छा दिख रहा है। इसने कपड़े भी अच्छे पहने और इसका चेहरा भी क्लीन है। इसके बाल काफी अच्छे तरीके से कटे हुए हैं और चेहरे पर भी एक भी बाल नहीं है। हल्की हल्की मूंछों में एक जेंटलमैन सा दिख रहा है और इसकी आंखें बहुत डीप है। इसके कपड़े भले ही ब्लैक एंड व्हाइट हों, लेकिन ये वेल मैनेज्ड है और साफ भी। जितना क्लासी रेस्टोरेंट का लुक है, उतना ही क्लासी इसका ओनर भी है। अगर रेस्टोरेंट के डेकोरेशन के हिसाब से ओनर कोई नॉर्मल कपड़े पहनता तो वो बिल्कुल फीका लगता, लेकिन इसने अपना ड्रेस अप एक अच्छे शेफ जैसा ही बनाकर रखा है, विच इज अ गुड थिंग। यानी इसे क्वालिटी मेंटेन करना आती है, श्रुति ने प्रेम को देखकर मन में सोचा। उसकी नजरों में प्रेम का अच्छा इंप्रेशन बन चुका था। भले ही बहुत पतला है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई तलवार सामने खड़ी हो। लास्ट टाइम जब मुझे किसी इंसान ने इतना इंप्रेस किया था, वो एक वॉरियर था जो हमारे राज्य में आया था। उसके पास एक बड़ी सी तलवार भी थी। ये रेस्टोरेंट का ओनर मुझे उस इंसान से काफी डिफरेंट लग रहा है। ये ज्यादा एग्रेसिव भी नहीं है, ये तो बहुत ही काम एंड कंपोज्ड है, और ऐसा लगता नहीं कि ये तलवार भी उठा सकता है। हम बौने लोग इंसानों पर तो भरोसा कर ही सकते हैं, बस वो ज्यादा मिस ही ना हो। यहाँ की साफ सफाई देखकर कम से कम यहाँ बैठा तो जा सकता है, और यहाँ का एटमॉस्फेयर भी बहुत सूदिंग है। श्रुति ने प्रेम को सर हिलाकर ग्रीट किया और रेस्टोरेंट को दोबारा देखने लगी। रेस्टोरेंट का डेकोरेशन वाकई कमाल का है। इसके डेकोरेशन में इंसान और बाकी स्पीशीज का एक जबरदस्त कॉम्बो देखने को मिलता है। ऐसा देखकर लगता नहीं कि कोई भी स्पीशी यहां आकर पार्शियल फील कर सकती है। डेकोरेशन करते टाइम सभी की फीलिंग्स को ध्यान में रखा गया है, और इस डेकोरेशन को देखकर लगता है कि इसका ओनर इक्वालिटी में बहुत बिलीव करता है, एंड उसकी नजर में सभी स्पीशीज बिल्कुल एक जैसी हैं। और दीवार पर ये जो वैली की पेंटिंग है, मैं इसी वैली के पास वाले स्टेट में ही बड़ी हुई हूं। ये बिल्कुल असली वैली जैसी लग रही है, कितने परफेक्शन से इसे बनाया गया है ना। श्रुति रेस्टोरेंट की खूबसूरती को देखकर बहुत खुश हुई। उसने ऐसी ही मिलती जुलती पेंटिंग अपने पापा के स्टडी रूम में देखी थी। इस रेस्टोरेंट में इंसानों की अलग ही दुनिया है। सब कुछ बड़े हिसाब से बना है ताकि यहां आकर सभी कंफर्टेबल फील करें। ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की। उसने बाकी पेंटिंग्स भी ध्यान से देखे और उनके प्लेसेस पहचानने की कोशिश की। बहुत देर देखने के बाद उसे वो सारी जगह समझ आ गई। इन पेंटिंग से समझ आता है कि ये इंसान बाकी इंसानों से कुछ डिफरेंट है। ये किसी के भी साथ रेसिज्म नहीं करता, और उसके लिए सभी कस्टमर्स बिल्कुल एक जैसे हैं। श्रुति ने प्रेम को देखकर सोचा। झूमर अंदर से देखने पर और भी सुंदर लग रहा था, जबकि उसकी सारी डेकोरेशन वैसी की वैसी ही थी जैसी बाहर देखने पर थी। लेकिन इसे पास से देखने पर और भी अच्छी फीलिंग आ रही थी। प्रेम भी श्रुति की तरफ बड़े ध्यान से देख रहा था। यह पहली बार था जब प्रेम किसी फीमेल बौने, या अपनी भाषा में कहे तो किसी बौनी को देख रहा था। उसके फीचर काफी अलग और अजीब थे। उसकी गर्दन इतनी लंबी और पतली थी जैसे वो कोई स्वान हो। प्रेम ने श्रुति की तरफ देखते हुए सोचा, रिया जब बड़ी हो जाएगी ना, तो आई थिंक इसे भी ज्यादा सुंदर और बेटर दिखेगी। प्रेम श्रुति की तरफ बहुत ध्यान से देख रहा था। उसे उसकी ब्यूटी बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। वो बस उसे देखता ही जा रहा था। श्रुति ने टेबल पर अपनी उंगली फेरी, पर उसे कोई भी गंदगी नहीं दिखी। वो उतनी ही साफ थी जितनी उसके घर में होती थी। इस साफ सफाई को देखकर अब वो कम नर्वस फील कर रही थी। श्रुति को भी इस रेस्टोरेंट में आकर काफी कंफर्टेबल फील हो रहा था, जबकि इस गांव के किसी भी होटल और रेस्टोरेंट में अभी तक उसे ये बात नहीं दिखी थी। या तो बाकी रेस्टोरेंट ठीक से मैनेज नहीं होते थे, या उनमें इतनी गंदगी होती थी कि वहां बैठने का मन ही ना करे। श्रुति खुद को प्रेम की तरफ देखने से रोक नहीं पाई। प्रेम अभी 30 साल का होगा। इंसान बस कुछ ही डिकेड्स जिंदा रह सकते हैं, जबकि बौने उनसे कहीं ज्यादा। बौनों की एज ऑलमोस्ट 800 साल की होती है। प्रेम अभी बहुत यंग है
और वो अभी से इतने सुंदर रेस्टोरेंट का ओनर है। इतनी कम एज में इतना सब कुछ कर पाना बिल्कुल आसान नहीं होता। ये सब कुछ देखकर श्रुति को प्रेम एक मिस्टीरियस इंसान लगा। इसके अलावा श्रुति ने यह भी नोटिस कर लिया था कि प्रेम उसे बहुत देर से देख रहा है, लेकिन उसके देखने से श्रुति बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। प्रेम उसे तारीफ और कर्टसी की फीलिंग से देख रहा था, जिससे श्रुति को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। श्रुति उसके रेस्टोरेंट में एक कस्टमर बनकर आई थी और प्रेम उसे बिल्कुल कस्टमर जैसा ही देख रहा था। श्रुति को कुछ भी गलत नहीं लग रहा था, प्रेम उसे एक बिल्कुल नॉर्मल कस्टमर जैसा ही देख रहा था। वो बस खड़ा खड़ा श्रुति के बोलने का वेट कर रहा था। श्रुति ने अपने बो एंड एरो टेबल पर रख दिए और एक कुर्सी पर बैठकर बोली, तुम्हारे पास यहाँ खाने में क्या क्या है? मैम, वहां टेबल पर एक मेन्यू रखा है, आप उसमें सब देख सकती हैं। प्रेम ने मेन्यू की तरफ पॉइंट करते हुए कहा। श्रुति ने मेन्यू उठाया और उसे खोलकर देखने लगी। मेन्यू का मटेरियल इतना फाइन था कि उसे रेस्टोरेंट और भी पसंद आ चुका था, लेकिन मेन्यू को खाली देखकर वो थोड़ी देर को फ्रीज हो गई। वो मेन्यू उठाने के बाद बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन उसकी एक्साइटमेंट मेन्यू देखने के बाद कहीं गायब सी हो गई। फिर उसने ध्यान से देखा, मेन्यू के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एक लाइन लिखी थी। उसे लगा कि इतना बड़ा और सुंदर रेस्टोरेंट होने के बाद भी इनके पास सिर्फ एक ही डिश है। सडनली श्रुति को ऐसा लगा जैसे वो किसी गलत जगह आ गई है। जैसा लोग इंसानों के बारे में कहते हैं, कहीं ये वैसा कुछ तो नहीं हो रहा, कहीं ये इंसान मेरे साथ कोई ट्रिक तो नहीं खेल रहा है, वरना कोई इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोलकर बस एक ही डिश क्यों बेचता? मुझे अब इसके इंटेंशन कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहे। शाही कबाब 600 कॉपर के सिक्के पर प्लेट? श्रुति को मेन्यू में यह देखकर एक झटका सा लगा। उसने और ध्यान से देखा। जब वो समझ गई कि उसने कुछ भी गलत नहीं पढ़ा, उसने अपनी नजर प्रेम की तरफ उठाई। उसने अपनी आंखें तिरछी करके देखा कि कहीं ये इंसान कोई फ्रॉड तो नहीं, कहीं ये मुझे लूटना तो नहीं चाहता। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो नए नए तरीके अपनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं, कहीं इसने ये रेस्टोरेंट इसीलिए तो नहीं खोला? इतने बड़े रेस्टोरेंट में अगर कोई चीज 10 सोने के सिक्कों की भी होती ना, तो मुझे इतना सरप्राइज नहीं होता। कम से कम यहाँ का मेन्यू तो बड़ा होता, फिर रेट्स तो इसके डेकोरेशन के कारण कितने भी हाई रखे जा सकते हैं, लेकिन बस एक ही डिश, वो भी 600 कॉपर के सिक्कों की, ये तो बिल्कुल भी चीप नहीं है, ये तो साफ साफ लूट लगा रखे इन्होंने। श्रुति जिस होटल में रुकी थी उसे वहां बस 100 कॉपर के सिक्के पे करने पड़ रहे थे। अब अगर वो रहने के 100 सिक्के दे रही है और खाने के 600 सिक्के देगी, तो फिर तो ये बात अजीब ही लगेगी। श्रुति ने पहले ह्यूमन मेड फूड के बारे में बहुत सुना था। थोड़ी देर तक कंफ्यूज रहने के बाद वो कुछ सोचने लगी, ये शाही कबाब आखिर होते क्या है? क्या ये सचमुच 600 कॉपर के सिक्कों लायक प्राइस के होते भी हैं, या सिर्फ ये हवा हवाई है? श्रुति अब इस बात का पता लगाना चाहती थी। उसने प्रेम के चेहरे को बहुत ध्यान से देखा, हालांकि उसने बहुत जल्दी गिव अप कर दिया। प्रेम अभी भी चेहरे पर स्माइल लिए कामली खड़ा था। वो श्रुति को पूरी तरह कंफर्टेबल फील कराना चाहता था, इसीलिए काफी डिस्टेंस पर खड़ा था। श्रुति को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि प्रेम के दिमाग में चल क्या रहा है। पूरे गांव में बस इसी रेस्टोरेंट में इतना अच्छा एनवायरमेंट है जहां कोई भी अकेला बैठना चाहेगा, लेकिन मेन्यू में 600 कॉपर के सिक्के की प्राइस देखने के बाद उसका मूड थोड़ा बदल चुका था। वो जब अपने घर से भागी थी तब कुछ ही प्लैटिनम के सिक्के लाई थी और उसमें से भी कुछ खर्च हो चुके थे, और अब वो केवल पैसों के कारण अपने घर वापस नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वो पैसे मैनेज करके चल रही थी और सोच समझकर उन्हें खर्च कर रही थी। वो एक मील पर इतना ज्यादा पैसा नहीं खर्चा करना चाहती थी, और फूड के नाम से उसे यह भी समझ आ रहा था कि उसकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा नहीं होगी कि उसका पेट भी भर जाए। सिर्फ एक प्लेट खाने से उसका पेट नहीं भर पाता, और फिर जितना ज्यादा वो खाएगी बिल भी उतना ज्यादा हाई आता जाएगा, और तो और यहां खाने को बस एक ही डिश है, तो कुछ और लेने का कोई ऑप्शन ही नहीं बनता। तभी दरवाजे की बेल दोबारा बजी और उसी के साथ वरुण की लाउड और क्लियर आवाज आई, प्रेम मैं फिर से आ गया, मेरे लिए 2 प्लेट शाही कबाब ले आओ।
और उन्हें एक एक करके ही लाना। इन्हें खाने का मजा तो गरम गरम में ही है। हाँ वरुण दादाजी, क्यों नहीं, मैं अभी लाया। प्रेम ने वरुण को सरप्राइज के साथ देखा। वरुण ने अपने कपड़े धोने के बाद बदल लिए थे। वो अब ग्रे शर्ट और ग्रे पैंट पहने था। उसने जूते भी इस बार साफ पहने हुए थे। हाँ एक बात और, अब उसके हाथ में वो हैमर भी नहीं था। वरुण को ऐसे देखकर प्रेम को बहुत अच्छा लगा। ठीक है, वरुण ने स्माइल करते हुए सिर हिलाया। उसने रेस्टोरेंट में चारों तरफ देखा और जब रिया नहीं दिखी तो थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया। वरुण ने श्रुति की तरफ भी देखा जो अपने बो हाथ में लिए थी। इसके बाद वरुण एक रैंडम टेबल पर जाकर बैठ गया। मैम प्लीज आप जितना टाइम लेना चाहे ले सकती हैं। जब भी आपका ऑर्डर करने का मन करे आप मुझे बस एक आवाज दे दीजिएगा, प्रेम ने श्रुति से कहा। श्रुति अब और भी हेजिटेट हो रही थी। फिर प्रेम मुड़ा और किचन में चला गया। उसने शाही कबाब बनाना शुरू कर दिए। रेगुलर कस्टमर मिलना किसी भी रेस्टोरेंट के लिए वाकई बहुत अच्छी बात होती है, और प्रेम को अपना पहला रेगुलर कस्टमर मिल चुका था। ठीक है, श्रुति ने सिर हिलाया। जब से वरुण रेस्टोरेंट में आया था श्रुति थोड़ा अलर्ट हो गई थी, लेकिन जैसे बाकी लोग उसे घूरते हैं वरुण ऐसा नहीं कर रहा था, तो वो थोड़ी रिलैक्स हो गई और उसने अपना बो वापस रख दिया। चली जाऊं या कुछ खा लूं, श्रुति अब तक फैसला नहीं ले पा रही थी। उसने चुपके से वरुण को देखा। वरुण अब बस अपना फूड आने का वेट कर रहा था। श्रुति ने वरुण की तरफ देखकर सोचा, इसने यहां आकर सीधा शाही कबाब ही ऑर्डर किया और ये बहुत एंटिसिपेशन के साथ अपने ऑर्डर का वेट कर रहा है। क्या ये शाही कबाब वाकई में इतने अच्छे हैं? उफ, मैं अभी कुछ भी नहीं कह रही। जब ये शाही कबाब आएंगे और मैं देखूंगी कि ये कैसे हैं, तब मैं कुछ डिसाइड करूंगी।